Good morning guys, it's day two. अभी हम लोग हैं जहाँ पे हम रुके हैं, इस जगह का नाम है जॉय गांव. सो इट्स अ रिसोर्ट, सो यहाँ पे ही है ये छज्जड़ में. हाँ चलो बैठते हैं. यहाँ पे मौसम काफी अच्छा हो रखा है, अच्छा नहीं पा, काफी ठंडा हो रखा है, काफी कोहरा है इस टाइम पे. टाइम, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 10 o'clock. 10 बज गए, देख रहे हो आप, कैन यू सी इट, कितना कोहरा है. लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 10 बज चुके हैं. मैं एक न्यूज रिपोर्टर की तरह क्यों बात कर रही हूँ? अच्छा रेचल कैसे करती है? तो ये है जीवन का आनंद लेती हुई वैष्णवी पठानिया. Alright guys, we just came back from the Banjara market and I just have exactly 45 minutes to get ready, and you can see my skin looks dead because we were out, we were shopping, and yeah, it was quite exhausting traveling also. So now what I'm going to do, I'm going to use this on my face. So this is again by Clino Wipe. It's a wipe. It's an exfoliating and cleansing wipe. So I'm going to use this one. I'm almost done with the wipes. I'm just left with one. So I'm just gonna take it out. So yeah. So this is how the wipe looks like. If you see this side, it has some texture. So chit se dots hain. And this is the clear side. So now you can use this wipe as a makeup remover, but for now I'm just going to use it to remove the dirt from my face, because washing the face again, not an option, and I don't have that much of time to do the cleansing, toning and moisturizing the oil bath. So I'm just going to use this first, the plain side of the wipe, then ye jo aap dekh rahe hain इसको मैं अब इस्तेमाल करूँगी टू एक्सफोलिएट, सो आई कैन फील सम टेक्सचर ओवर हियर ऑन माय नोज एरिया. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड वेरी जेंटली आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑयल. सो एज यू कैन सी ऑल द डर्ट is off my face, and this is what my skin looks like. Now I'm quickly going to go and do my makeup. Can't show you because don't have the perfect lighting like this inside, so yeah, but that's just wanted to talk to you guys about this amazing invention, the exfoliating wipe. So yeah, the area feels soft. क्या कर रही नेहरू, तुम टाई बांध रही है? तुम्हें बांधने आती है? मैं क्यों सीखूं जब तेरे को आती है? तो मैं इसको में टाई नहीं बांधते थे क्या? नहीं, मैं वो क्लिप वाले बांध के जाता था, टेंशन ही खत्म. मम्मी बांधते थे भाई, मिठाई होती
Perfecto. कितनी गंदी टाई लाया तू। अरे बहुत अच्छी टाई है ये, ठीक बाकी तो ठीक है। है वो तो देख ना। YouTube पे तूने ये ट्रेंड देखा था तो कैसे भागते हैं ये भी देख लेता। हाँ थोड़ी आ गए हमारा। बिल्कुल सही बात की बिल्कुल। जब उसमें दिखाते हैं YouTube में आता है हाउ टू टाई अ टाई। अरे YouTube में नहीं, मैंने Google पे टाइप किया कि ब्लू कोट के साथ क्या टाई का कलर जाता है, तो उसमें बहुत सारा है, उसमें से ये एक था, मैंने खरीद ली। बहुत सारों में से तुम्हें यही एक पसंद आई? हाँ अरे यही अच्छी लग रही थी। Show people how much you eat. She has finished her bowl of you rice. You also finished yours? नहीं। हाँ। I just had that क्या बोलते हैं उसको? Rice. टिक्की sort नहीं, टिक्की sort of a thing which was there. अच्छा rice नहीं खाए? जरा से। अच्छा दो चम्मच मेरे को दिए, बाकी you had. Then दो चम्मच थे वो। Now we are waiting. चलो पहनो, टाई पहनो। अरे अभी वहीं जाके पहन लूंगा, अभी रहने अभी पहन लूं ना। ये बात मान, अभी रहने दे, बात मान लो ना, तुम कुछ नहीं कर रहे हो अभी। मैं वहीं जाके पहन लेता, अभी मेरे को ना सिर्फ दब रहा है गले में, इसलिए मैं पहन लूंगा। गला भी मोटा हो गया। तू तो नहीं आ गई मोटी। ये कौन आ गए लोग? अबे खुला, अबे वरुण। ओह माय गॉड, ये उसको रखो, ये देने वाला है। नीचे क्या? ये अपने डब्बे ले जाना मिठाई के। हम लोग के नहीं है। तो किसके है? ये हमारे वाला है। ये खुला, ये देखना, ये क्या नीचे, ये नीचे कुछ है क्या? रखो पैर, अपने पैर जमीन पर रखिए। ऑल इन ऑलमोस्ट, ये कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कौन कर? ये मुझे शरारत इसी की लगी। ये क्रिएटिविटी मेरी हो सकती है, किसी के लिए। और ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग पीछे टेम्पो में बैठे हैं। सो एवरीवन, ये है जेपी, ये वरुण भैया, ठीक है, ये भाभी है। हेलो। और ये बुलबुल दीदी। दीदी नहीं हूँ मैं, मतलब हाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम मतलब हुए हैं। आज सुबह ही बात हो रही थी, मम्मी तुम क्या कह रहे थे कि पिंक कलर, हाँ वो पैट्रियार्की की बात हो रही। What did you get now? बुलबुल पापी चाट लेके आओ, भाभी की सेवा करो, चलो कोई जरूरत नहीं करने की, जाओ गो जाना लेके आओ। देख मुद्र राइट बिहाइंड यू। वीडियो ले रहा है, अरे पागल है। शादी खत्म हो चुकी है और हम घर वापस जा रहे हैं। हमारे साथ जा रहे हैं ओम प्रकाश, कुशवा। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पता है रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि निरुपमा जी जो है वो सोना चाहती है नाइट जर्नी में, और मैं मुझे एज अ नेविगेटर लेके जाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, नेविगेटर नेविगेटर। एंड उसके साथ साथ जो ये पीछे हमने टेबल खरीदी है ना, तो ये ऊपर चढ़ाएंगे आप दोनों, तो एज अ कूली ऑल्सो।
ठीक है ना, क्या करें। बट नो नो, एज एन एंटरटेनर, बिकॉज ही इज वेरी एंटरटेनिंग एंड ही इज वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, ही इज वंडरफुल, ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑसम, ही जस्ट, थैंक यू, yeah, I'm running short of words. ये होती दोस्ती, ये होती है दोस्ती, ये होती है दोस्ती। आज मैं भाई का, भाई की कल ट्रेन है रात की, और भाई का 4 तारीख को एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन का, भाई तब भी मेरे साथ जा रहा है। ये एक और चीज आप सीखते हैं कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बट नहीं मारा, मतलब क्या, आज क्या, आज क्या उम्र, क्या अभी कितना, I'm just 28 just 29 एक नई मिसाल कायम की है दोस्ती की, पर उन गाना गाओ इसके लिए, तेरे जैसा यार का, ट्रैफिक है यहाँ पर, इफ यू कैन सी, बट देन आई एम सो हैप्पी ओमी, आई एम सो हैप्पी, सेम है, हाय गाइस, सो हम लोग अराउंड 3 o'clock 3 AM वी रीच्ड अ प्लेस, एंड देन उसके बाद देन नेक्स्ट डे जो कि आज है, मुझे कॉलेज जाना था, मैं कॉलेज गई, उसके बाद छुट्टी थी फ्राइडे, उसके बाद छुट्टी थी सैटरडे संडे, तो हम अभी गांव आ गए हैं। इतनी ट्रैवलिंग भाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। आई लुक लाइक अ मेस एंड आई वाज वेयरिंग अ साड़ी, दिस इज द ब्यूटीफुल साड़ी व्हाट आई वाज वेयरिंग, एंड आई एम लुकिंग डेड टायर्ड एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ दैट, सो आई एम जस्ट हियर टू एंड दिस व्लॉग। रात में बिल्कुल हालत नहीं थी कि फिल्म करूँ और उसे एंड करूँ, सो या That's why I'm here. So I'm gonna end this vlog. I hope you people like it. If you do, make sure you give a thumbs up, subscribe to my channel, leave a comment down below. What do you think about this vlog? If you want me to make more of such chit-chat vlogs, so let me know. And yeah, tired and I'm sleepy. Okay, bye. Good night. Take care.